हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत। मैं हूं सनातन मेहता। आज मैं फटकवेयर मशीन का इरर कोड, जितना सारा इरर कोड होता है फटकवेयर मशीन का, वो इरर कोड का सलूशन करेंगे। मतलब हजारों कोड है, हजारों कोडों का सलूशन नहीं होगा, लेकिन जो कॉमन कोड होता है फटकवेयर मशीन का, जो कॉमन चीज होता है, जो कॉमन कोड आता है मशीन में, वो कॉमन कोड के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे आपका मशीन का कुछ कॉमन कोड के लिए वो सलूशन हो जाएगा। तो इसी वीडियो से हम वो मशीन का जो कोड आता है उस कोड से सलूशन मिलने का ये वीडियो है। लेकिन ये वीडियो जिस तरीके से मैंने बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने जिस यूज़ करेंगे, जिस सिस्टम से आपको दिखाएंगे, जो तरीका अपनाना चाहिए, वो कुछ खास होगा, जो नया होगा। तो पहला ऐसा वीडियो होगा जो इस सिस्टम से आपको करना है। अगर आप भी करिएगा तो आपका मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन तरीका कुछ नया है, बिल्कुल नया है, आज तक किसी ने ना इस ऐसा तरीका अपनाया है। लेकिन तरीका बिल्कुल मेरा आइडिया, नया मेरा सोच का आइडिया है, मेरा ही आइडिया है, मेरे आइडिया से ये बनाया गया है। मैं इसी आइडिया से ये सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो चलिए फोटोकॉपियर मशीन में हम ले जाकर पूरा सिस्टम से दिखाएंगे कैसे इस सॉल्यूशंस को पाया जाए, कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो इससे पहले और एक बात आपको बोल दें कि फोटोकॉपियर मशीन का जितना सारा कोड होता है, वो सारे कोड हम मेरे डिस्क्रिप्शन में दे के रखेंगे। उस कोड से आपको पता चलेगा कौन सा कोड का क्या सोल्यूशन है, उस सारे कुछ डिस्क्रिप्शन में देख रहेंगे, जिससे कि आप वो भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोड देखकर आप सोल्यूशन खुद भी कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कहां से कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, जो कॉमन चीज़ होता है जो वही हम दिखाएंगे आज, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिससे कि बहुत तरह तरह का कोड आता है, तो वो कोड का आइडिया भी दे देंगे, कहाँ क्या करना है, करने से आपका भी वो सॉल्व होगा, आपका जो इरर कोड देता है मशीन में। तो चलिए मशीन में चल के दिखाते हैं कैसे क्या करने से आपका मशीन सही होगा। तो चलिए चल के दिखाते हैं फोटोकॉपियर मशीन में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए, यह है फोटोकॉपियर मशीन। इस फोटोकॉपियर मशीन को खोल के हम दिखा देते हैं कैसे कहाँ क्या करने से आपका वो कोड प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। और एक बात बोल दें, इस खोलना हम थोड़ा फास्ट ही दिखाएंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट करके अभी वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पूरा दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। बैक साइड है इसका सारा, इसको खोलना होगा, खोल के आपको दिखाएंगे। इसको प्रेस कीजिए, प्रेस करके बाहर को खींचिए, खुल जाएगा। यहाँ पे लॉक सिस्टम है, देख लीजिए यहाँ पे लॉक है, इसको खोल के तब उसको निकालना है। तो सारा स्क्रू खोलना हो जाएगा तो आपको वो दिखाएंगे। अब देखिए, इसका सारा स्क्रू खोल दिया है, इसको निकाल देना है। पहले बोर्ड को देख लीजिए कैसा सिस्टम है, आपका भी मशीन सारा मशीन में एक ही जैसा होता है, थोड़ा इधर और उधर, ठीक है। और एक चीज़ खोलना होगा, वो आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, और एक चीज़, यहाँ का जो लॉक है, इसका लॉक भी नीचे की ओर है, यहाँ पे नीचे लॉक है। मतलब देखिए, इस लॉक को ऐसे प्रेस कीजिए नीचे की ओर, देख पा रहे हैं आप, जो लॉक है प्रेस करके बाहर की ओर खींचिए तो खुल जाएगा। और देखिए, ये स्क्रू खोलना है, और इस साइड में भी एक स्क्रू है, इसको भी खोलना है, ये वाला।
अब इसको बाहर को खींचिए, निकल आएगा, इसको निकाल दिया। एक चीज़ होता है जी, ये जो मोटर है, ये मोटर भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो मोटर की मोटर को भी चेंज करना पड़ता है। उस जगह पे एक फॉल्ट होता है और इस मोटर से भी फॉल्ट होता है, जो कॉमन सा होता है। और यहाँ पे केबिल है, ये केबिल भी फॉल्ट हो सकता है। इस जगह से एक केबिल है, इस बोर्ड से, इस बोर्ड का कनेक्शन जो है, इसका भी फॉल्ट हो सकता है। इसका कीमत ज़्यादा नहीं होता, तो ये भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो एक कॉमन सा चीज़ होता है जो कोड देता है, तो ये दो तीन चीज़ ही खराब होता है। ये देखिए मोटर, इस मोटर को इसके इसको बोला जाता है डीसी मोटर, इस मोटर को चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरह आपको दिक्कतें सॉल्व हो जाएगा। तो चेंज करने का यही कुछ समथिंग चीज़ होता है। और रैम भी, कोड मारने के और भी कारण रहता है रैम। ये जो रैम होता है, रैम को खोल के वॉश कर लीजिएगा तो आपका वो कोड नहीं देगा। कुछ कोड ऐसा होता है, रैम को खोलिए, खोल के रैम को इस जगह से क्लीन कर लीजिए तो आपका कोड नहीं देगा। ये रबर से क्लीन कर लेने से आपका वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थोड़ा जूम इन आउट करके दिखा देते हैं मशीन का कौन सा हिस्सा में हम जा रहे हैं। ये बैक साइड का ये हिस्से में जा रहे हैं दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ खोलना है, हमको जो दिखाना है वो यहीं पे है। देखिए आप जो दिखाने वाले हैं, मशीन का जो कोड मारता है, बहुत सा कोड होता है, कोड कहाँ कहाँ से आता है आपको हम बोल देते हैं। ये सारा जितना बोर्ड देख रहे हैं आप, बोर्ड सारा देख लीजिए, उसके बाद सब हम बोलेंगे क्या क्या चेंज करने से, क्या क्या करने से आपका मशीन में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पे कोड सबसे कॉमन सा कोड जो होता है वो है ये केबिल से। ये वाला जो केबिल है, ये वाला केबिल से ज़्यादा कोड आता है मशीन में, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड है, रीडर बोर्ड, ये रीडर बोर्ड में जैसे रखा गया है, रीडर बोर्ड में ये जो केबिल है बहुत सेंसिटिव केबिल है इसका। तो देखिए ये वाला जो केबिल है, इस केबिल में 45 पिन रहता है, मतलब इसमें जो इसमें जितना सारा पिन है ना, ये 45 पिन है इसमें। तो ये पिन ख़राब हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में दिखाई देता है खराबी इसी पिन से होता है। मतलब इस बोर्ड को फ्लैट करके रखा गया है, इसको खड़े करके नहीं रखा गया है। ये सब सारा बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड को खड़े करके रखा गया है, मतलब ऐसे खड़े करके, लेकिन ये बोर्ड को ऐसे रखा गया है, ऊपर का जो बोर्ड है रीडर बोर्ड ऐसे रखा है। ऐसे रखने के कारण कभी भी रैट अंदर आता है। देखिए रैट का पॉटी कुछ यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि रैट इसका ऊपर यहाँ पे घूमता है, इसका अंदर मशीन का अंदर घूमता है, तो इसलिए हम कुछ दबा दे के रखते हैं ताकि मशीन में आके रैट ज़्यादा टाइम तक स्टे ना करे। इसमें कुछ रैट के लिए हम किलर कुछ रख दिया है, जिसके लिए रैट यहाँ पे ना आए, फिर भी यहाँ पे आया है, यहाँ दबा रखे हैं। जो बंद पैकेट है, हम जस्ट सेंड के लिए उसको भगाने के लिए यहाँ किलर को रखा है, क्योंकि नहीं अगर रखे यहाँ आके वो घर बनाना शुरू करेगा, मतलब इसमें आके बैठेगा, बैठ के हमें घर बनाएगा, यहाँ घर बनाएगा। और उसका जो टॉयलेट होगा, पॉटी होगा, जो होगा इस वायर में आके पड़ेगा। मतलब जितना सारा पिन रहता है, पिन के यहाँ पे अगर पॉटी करता है या टॉयलेट करते हैं
तो यहाँ पे गंदा हो जाने के कारण कनेक्टर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे टॉयलेट करने का जो रैट का जो टॉयलेट है वो टॉयलेट से यहाँ गंदा हो जाने के कारण यहाँ पे कनेक्शन फॉल्ट हो जाता है। तो यही कनेक्शन जब बहुत सा फॉल्ट हो जाता है, दूसरा कुछ होता है जो यहाँ पे खराबी हो जाता है, बहुत सा यहाँ बहुत सा फॉल्ट होने का यहीं पे मेन कारण होता है। ये रीडर बोर्ड है, इसको रीडर बोर्ड बोला जाता है, रीडर बोर्ड ही से मेन फॉल्ट आता है। और ये जो वायर है, वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है यहाँ से। ये जो वायर का जो केबल देख रहे हैं, पिन जो दिखाई दे रहा है, वो पिन ख़राब हो जाता है। तो ये जो केबल है, इस केबल को अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस दौरान जो इसका हिसाब से जो आता है, अगर आप मशीन को खोल के देखते हैं, यहाँ पे पॉटी है, टॉयलेट है, यहाँ गंदा हो चुका है या यहाँ पे ख़राब हो चुका है, मतलब यह आयरन हो चुका है, बहुत सा आयरन हो के यहाँ पे सब कट चुका है, ख़राब हो चुका है। तब आपको सोल्यूशन यही है कि ये इसको चेंज करो, लेकिन चेंज करने से पहले इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से इस वायर को कैसे निकालना है, वो सिस्टम मेन है। यहाँ पे जो लॉक पिन है, पिन को आपको जानना होगा, पिन को क्या सिस्टम से लॉक किया है। अगर पिन टूट जाता है तो आपको पूरा बॉडी चेंज करना पड़ेगा, इसको अलग से पिन नहीं आता, इसीलिए आपको बहुत से सावधानी से इसको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये लॉक टूट जाने से आप लॉक बाजार में इसके लिए नहीं होता, ये बोर्ड के साथ ही सेटिंग होता है। इसीलिए आपको बहुत स्मूथली इसको खोलना होगा। सिस्टम से हम आपको दिखा देंगे क्या है सिस्टम, इसी वीडियो में दिखाएंगे इसको खोलने का सिस्टम और लगाने का तरीका क्या है, उसको दिखा देंगे। तो यहीं पे सारा गंदा यहीं पे होता है, रैट पॉटी यहीं करता है, यहीं घर बनाता है, टॉयलेट करता है, इसी जगह पर गंदा होता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे फ्लैट करके रखा गया है, मतलब सुला के रखा गया है, खड़े करके अगर रखता, यहाँ पे देखिए सब खड़े करके बोट रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे घर होने के कोई चांसेस नहीं है। घर करता है तो यहीं करता है, तो यहाँ घर करता है, घर करके और टॉयलेट पॉटी जो करना है करके यहाँ पे गंदा करने के कारण ही ये बोट ख़राब हो जाता है। तो ये बोट ख़राब हो जाने से ये बोट को भी चेंज करना पड़ता है। तो आपका अगर बोर्ड ऐसा हो चुका है तो हम उसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो से, थोड़ा लंबा होगा, अगर पार्ट दूसरा हो जाएगा फिर भी हम इसी वीडियो में हम दिखाएंगे कंटिन्यू करके। तो देखिए इसको कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, उससे पहले क्लीन कैसे करते हैं, वो हम आप कैसे साफ करते हैं, उस बोर्ड को कैसे क्लीन किया जाता है, वो आपको दिखाएंगे। ये बोर्ड तो देख लीजिए, बोर्ड तो कहाँ पे रहता है अच्छी तरह देख लीजिए। ये बोर्ड को एक बोर्ड है रीडर बोर्ड, मतलब यहीं पे रहता है, इधर से देख सकते हैं थोड़ा, जहाँ से स्कैन करते हैं इसको रीडर बोर्ड बोला जाता है। रीडर बोर्ड ख़राब हो जाता है, रीडर बोर्ड ख़राब हो जाने से आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा गंदा हो चुका है, बहुत सा गंदा हो चुका है, तो बोर्ड को खोलना कैसा है उसके लिए हम कुछ दिखा देते हैं। हम खोलने के लिए वीडियो अलग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ कनेक्टर है, कनेक्टर को खोल देने से आप इसको खोल पाएंगे। ये जो जितना सारा लॉक है, ये जितना सारा कुछ है, इसको खोलना होगा। उससे पहले आपको सामने का शीशा उतारना होगा, इसको खोल के इस सारे चीज़ को खोल के बाहर निकालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जितना कुछ स्क्रू है इस बोर्ड को खोलने के लिए, ये सारा कुछ खोल के बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो कनेक्टर है, ये जो वायर है, इस वायर को भी खोलना होगा, तब जाके आप उस बोर्ड को बाहर निकाल पाएंगे। तो इसके लिए अगर वीडियो आपको चाहिए तो बोलिएगा, तो हम इसका वीडियो भी बना के देंगे कैसे करना है, कैसे खोलना है। तो अभी हम जो दिखाएंगे, अगर ऐसा फॉल्ट है आपका, अगर आप क्लीन कर पाते हैं तो यहीं से बाहर से क्लीन नहीं होता, अगर खोलना ही पड़ेगा। अगर आपको वायर चेंज करने से काम हो जाता है तो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं काम करता है तो बोर्ड को खोल के आपको वॉश करना होगा। तो चलिए वॉश कैसे करते हैं और इसको कैसे लगाते हैं और खोलते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए उस बोर्ड को हम थोड़ा अभी दिखा दें आपको, रीडर बोर्ड तो दिखा देते हैं। ये रीडर बोर्ड में वायर को कैसे लगाते हैं, ये जो वायर है और कैसे खोलते हैं उसको दिखाते हैं, थोड़ा क्लोजली दिखाना पड़ेगा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण इसीलिए इसको रोकना पड़ा,
हम दूसरा वीडियो में दिखाएंगे कैसे बोर्ड को साफ किया जाता है, कैसे और कुछ किया जाता है, सारे कुछ दिखाएंगे कैसे क्या करने से आपको बोर्ड यूज़ कर पाएंगे सही तरीके से। तो बोर्ड को साफ करने का जो तरीका है बहुत अलग होगा, वो तरीका आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो देने के लिए हम तैयारी करते हैं।